हेलो, मेरा नाम पसादिका है। मैं माइंडफुलनेस एंड कॉन्शियसनेस पे वर्कशॉप लेता हूँ और जो प्रेरणादायी जो स्पीचेस है वो मैं देता हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे खुशी हो रही है, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूँ। और हम लोग जो ध्यान करते हैं उसके लिए ध्यान के लिए कौन सी अच्छी बैठक है, कैसा ध्यान के लिए बैठा जा सकता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब ध्यान करते हैं तो जिसे हम लोग आप मेरे तरफ देख रहे हैं कि मेरा जो पोस्चर है, जो मेरा बॉडी का जो ये पार्ट है, वो लेग्स है, वो सिंपल क्रॉस लेग किया है मैंने। जो फोल्डिंग है वो हम लोग जो खाना खाते वक्त जब हम आमतौर पर बैठते हैं भारतीय बैठक के लिए, वैसा मैंने मेरे लेग्स है वो मैंने रखे हैं। लेग्स सिंपल तरफ से रखे हैं जहाँ पर कहीं भी टेंशन नहीं है और बिल्कुल आराम आह्लाददायक ढंग से हम लोग बैठ रहे हैं। फिर मेरी पहली बात है कि जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और उसके साथ जो मेरे हैंड पोजीशन है, एक तो मैं हैंड्स ऐसा ऊपर पाम्स फेसिंग टू सीलिंग ऐसा मैं रख सकता हूँ, या तो मेरे पाम्स है मेरे घुटने के ऊपर मैं आह्लाददायक मैं रख सकता हूँ। मेरी चेस्ट है, चेस्ट ओपन कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी आगे ले रहा हूँ, स्टमक रिलैक्स, होल बॉडी इज रिलैक्स्ड। पैरों के जो तले हैं वहाँ से लेके एक एक पार्ट लेके मैं पूरी बॉडी, हम जो हेड है वहाँ तक पूरा बॉडी रिलैक्स करता हूँ। और जो हेड पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखता हूँ, ज़्यादा नीचे नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं, स्ट्रेट देख रहा हूँ मैं। और आँखें मैं एक तो आराम से बंद कर सकता हूँ, या तो फिर अर्ध आंखें हैं वो अर्ध बंद कर सकता हूँ, जैसे मैं एक दो फीट के ऊपर मैं देख रहा हूँ। इस तरह से भी आप अपने आंखें मेडिटेशन पोज के लिए आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो बैठक है, ये बैठक के साथ आप जो ध्यान की विधियाँ जो मैं ऑलरेडी मैंने बताई है वो आप कर सकते हो। और ये जो सिंपल सी बातें हैं आप उसका यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो टॉपिक आज का आपको जो हेल्पफुल लगा है वो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके पास उसको बिल्कुल उसको शेयर करिए। और द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये मेरा वीडियोज़ कैसा लगा वो आप जो मेरा कॉमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए। और जो मेरा वर्कशॉप, दूसरा क्वेश्चन है, मेरा जो वर्कशॉप होने वाला है तुरंत, उसके लिए आप एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे लिखिए कि आप इंटरेस्टेड हो मेरे वर्कशॉप के लिए जो मेडिटेशन के ऊपर होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको मेरा वर्कशॉप जो ये जो वीडियो है कैसा लगा वो भी बताइए। धन्यवाद।